अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज मैं बहुत प्यारा सा एक इंसेंस होल्डर या फिर अगरबत्ती होल्डर, आप जो भी बोलो, वो बनाने वाली हूँ। ये बहुत क्यूट लगेगा। मैं मतलब इसको ना हैंड शेप का कुछ बना रही हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे मोल्डेड क्ले, ठीक है। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्ले का वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप कैसे घर पर क्ले बना सकते हैं। और मोल्डेड क्ले में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है। और आप ना बहुत ज़्यादा एक बार में मत मिक्स कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए, बहुत जल्दी हार्ड होता है। अब मैंने इस तरह से ले लिया है, थोड़ा सा ही मिक्स किया है, और इस तरह से मैं कुछ ना इसको हैन का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ कि मुर्गी की तरह लगे। तो चलिए धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। इससे पहले तो मैंने कभी भी नहीं बनाया, पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे दिमाग में एकदम रैंडम एक आइडिया आया कि इस तरह का कुछ बनाते हैं, छोटा सा कुछ क्यूट लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा हैन ही बनाते हैं। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और टैल्कम पाउडर, मतलब आप कोई सा भी पाउडर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आपके पास जो भी पाउडर हो उसको आप लगा लीजिए, तो उससे चिपकेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो आप कहीं पे भी इसको रखिएगा ना, तो ये चिपक जाएगा उस सरफेस से, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जब आपको इसको दोनों को आपस में चिपकाना हो, तो वहाँ पे पाउडर को हटाने के लिए पानी लगा लीजिए और उसके बाद इसको चिपकाइए। अब छोटे छोटे से डिटेलिंग में ऐड कर रही थी इसमें क्ले से ही, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की जो मुर्गी में चोटी होती है ना, वो मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी चोंच बना रही हूँ। तो इस तरह से छोटा छोटा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि बनेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो इसी तरह से बनाइए और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। छोटा सा है बिल्कुल, और मैंने इसको बिल्कुल छोटा सा बनाया है। और इस तरह से यहाँ पे मैं छोटा सा एक मुर्गी में होता है ना नीचे हैन में, तो वो भी मैं लगा रही थी यहाँ पे। और इसी तरह से मैं दूसरा भी एक छोटा सा बना रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी एक मुर्गी बना रही हूँ। एक मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है और एक उससे छोटी है। ऐसे तो है दोनों ही बहुत छोटी, लेकिन फिर भी एक छोटी बना रही हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं यही कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप तब तक कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ छोटी वाले हैंड में भी। और इसी तरह से करने के बाद थोड़ा सा टैल्कम पाउडर पहले नीचे मैं लगा लूँगी, और उसके बाद ना अब मुझे इसके, मतलब मैंने तो पहले सोचा था कि मैं दो हैंड बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि इधर उधर खो जाएंगी, तो इसीलिए एक छोटी सी मैंने ट्रे टाइप, और उसको मैंने थोड़ा सा इनका घोंसला टाइप कर दूँगी। अब पता नहीं इनका घोंसला तो वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुद से तो नहीं बनाते, लेकिन फिर भी इनको बैठाया जाता है जब अंडे पे, तो फिर होता है ना कुछ, तो इसी तरह से मैं पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ, बस आप समझ जाइए प्रोसेस देख के। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बना रही थी यहाँ पे। और नीचे मैंने एक अपनी ही DIY की हुई कैंडल होल्डर लिया है ताकि इसको शेप दे पाऊँ। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब इनको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें थोड़ी सी क्ले और बच गई थी, तो मैंने सोचा इनके अंडे भी बना देती हूँ, क्योंकि अब जब घोंसला बनाया है तो अंडा भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने इस तरह से गोल गोल, पता नहीं क्या लंबा लंबा, मेरा तो अंडा बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुर्गी का है, कुछ अजीब सा बन रहा था, लेकिन फिर भी बनाई जा रही हूँ, कुछ ना कुछ पेंट होने के बाद अच्छा लग ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैंने चार अंडे सोचे हैं टोटल बना लेने के लिए, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि मैं प्रोसेस बताने से ज़्यादा तो बकवास करती रहती हूँ और प्रोसेस बताना ही भूल जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा ले रही हूँ। मैंने बोला ना, जब भी आपको अगर एक दूसरे में क्ले को स्टिक कराना होगा ना, तो ग्लू से मत कराइए, ग्लू से निकल जाएगी। लेकिन ये क्ले इतनी हार्ड होती है ना, मोल्डेड क्ले, नॉर्मल क्ले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, ये ना नहीं निकलती, आपस में चिपक जाती है। तो आप हल्का सा पानी लगा के इसको चिपका दीजिए। पता नहीं यहाँ पे मैं क्या पवाल टाइप या फिर पता नहीं क्या चावल के दाने बनाना चाह रही थी, कुछ भी, बहरहाल मैंने बना दिया है। और अब इसमें एक छोटा सा होल कर देंगे ताकि ऊपर जो भी हमारी अगरबत्ती है ना, वो हम डाल सकें। तो इस तरह से दोनों के बीच में मैंने ऊपर साइड पर होल कर दिया है। और मैंने तो पहले सोचा था कि इसको ऐसे ही बना लेंगे, वो इंसेंस होल्डर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस कुछ यूज़ भी तो होना चाहिए, अगर बना ही रहे तो कुछ इस तरह से कर देते ताकि कुछ यूज़ में भी आ जाए। और ये देखिए अब अच्छे से ड्राई हो चुकी है कम्प्लीटली। मैंने इसको 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये बहुत जल्दी ड्राई होती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको एक बार में मत पूरी मिक्स करिएगा, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करिएगा। और अब मैं यहाँ पर नीचे वाले को ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि पवाल जो होते हैं ना उसका इसी तरह का कुछ कलर होता है, तो मैं इसको ब्राउन से कर ले रही हूँ। लेकिन ये पवाल कम और चावल ज़्यादा लग रहा है, तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं। अंडे को भी अच्छे से वाइट से पेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी इसको वाइट से मैं पेंट कर लूँगी अच्छे से पूरे अंडे को। चलिए कर लेते हैं। तो इस ओह माय गॉड, बहुत बन के मैं यहाँ पे लेके आई थी बहुत अच्छे से एकदम कि इससे करूँगी, लेकिन ये पूरा गिर गया, तो हाथ से ही मैंने कर लिया। अच्छा,
मैंने सोचा इससे अगर मैं पेंट करूँगी तो मेरे हाथ पे नहीं लगेगा, लेकिन ये तो मेरा मजाक ही बन गया। खैर मैंने उसको पेंट कर दिया। अब इसी तरह से मैं ना एक बेस कोट दे रही हूँ मुर्गी पे, मैं अच्छे से हैंड पे एक बेस कोट लगा रही हूँ वाइट का। अगर आपके पास जेसो है तो आप जेसो भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मैं पेंट लगा रही हूँ ताकि एक बेस मिल जाए अच्छा सा हमें, ताकि उसके ऊपर फिर जो भी कलर हम करें ना तो वो अच्छे से बिल्कुल दिखे और अजीब सा ना लगे, क्योंकि अगर हम रैंडम डायरेक्ट कर देंगे ना तो बहुत अजीब सा एक कलर आता है, अच्छे से निखर के नहीं आता। तो एक बेस कोट आप वाइट का हमेशा लगा लीजिए। अब साइड पे इस पे मैं थोड़ी सी और मतलब शेड्स दे रही थी। तो उसके बाद करने के बाद अब मैं हैंड पे करूँगी इस तरह का ऑकर कलर, येलो ऑकर मैंने लिया है यहाँ पे। और उसके बाद इसको पेंट करने के बाद थोड़ी सी और अभी मैं डिटेलिंग ऐड करूँगी, थोड़ी सी क्या बहुत सारी, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे ना डार्क ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ आगे में थोड़ा सा डिज़ाइन। मैंने ना कभी नहीं बनाया, बचपन में बहुत ज़्यादा मुर्गी पालती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल डर लगता है। लेकिन वही थोड़ी मोड़ी जो मेमोरी है या फिर घर में अभी भी मुर्गी है, क्योंकि अभी अचानक से लोगों को मुर्गी का शौक चढ़ गया है तो बहुत मुर्गी आ रही है और वो मर भी रही है क्योंकि अभी ठंडा है। तो खैर मैं क्या बैठ गई मुर्गी और बच्चे और बत्तख करने लगी। खैर अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ इसको, और उसके बाद में ये जो वाइट वाली जो छोटी वाली मैंने बनाया था ना, इसको मैं ना आगे से वाइट ही रहने दूँगी सामने की साइड से, और पीछे की साइड पर मैं ना ग्रे कलर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरे पे ग्रे कर देंगे पीछे, और अब इसके ऊपर की जो छोटी होती है मुर्गी में तो वो मैं रेड कर रही हूँ, क्योंकि वो रेड ही कलर की होती है। और मैंने ना इतना कलरफुल कभी पहले नहीं बनाया, तो इसलिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे मैं कलरफुल भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बोर ही कर दिया होगा आप लोगों को ब्लैक गोल्डन ब्लू गोल्डन, मतलब गोल्डन 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 गोल्डन। तो इसलिए इस बार मैंने कहीं पे भी मैंने सोचा कि मैं कहीं पे भी गोल्डन पेंट नहीं यूज़ करूँगी इस वाले प्रोजेक्ट में, और मैंने कहीं पे भी नहीं अभी तक तो नहीं यूज़ किया, अब आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ट्राई तो यही किया है कि मैं नहीं करूँगी। तो इस तरह से मैंने लगा लिया यहाँ पर रेड कलर, ठीक है, और इसके साइड पर आपके पास भी रेड होता है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब छोटे छोटे से ना पोल का डॉट्स दे देंगे। तो इस तरह से मैंने अपना ना टूल यूज़ किया है यहाँ पर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली ब्रश ज़ीरो साइज़ वाले ब्रश से कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप पेन की निब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत सारे क्राफ्ट सप्लाईज हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले तो मेरे पास भी बिल्कुल नहीं होते थे, मैं तो बहुत छोटे से यह सारा चीज़ कर रही हूँ, तो धीरे धीरे अब मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे क्राफ्ट सप्लाईज होंगे तो ही आप करोगे। तो इस तरह से मैंने बकबक करते हुए पूरा पेंट कंप्लीट कर लिया था। अब इसको अच्छे से वार्निश से सील कर देंगे, क्योंकि वार्निश से अगर आप सील नहीं करिएगा तो इसका कलर फेड हो जाएगा। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट को वार्निश से सील करिए, और इस तरह से इसके ऊपर भी अच्छे से वार्निश अप्लाई कर देंगे। थोड़ी ही देर में ड्राई हो जाता है, तो ड्राई होने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये रहा इसका फाइनल लुक। और ये देखिए कितना ही प्यारा पीस लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है हम लोगों ने इसे बनाया है। और आप भी अगर ऐसा कुछ भी रिक्रिएट करते हैं ना, तो मेरे साथ ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।